आप किसी को देते हैं तो उससे पहले ये बात अवश्य सुन लीजिएगा। ये तीन चीज अगर आप किसी को दे रहे हो तो उससे पहले इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप किसी को कुछ देते हैं उससे पहले जरूर सोच समझ करके देना चाहिए। तीन दान की बहुत बड़ी महिमा है। शास्त्र में ये तीन दान की बहुत सुंदर महिमा का वर्णन किया गया। पहले नंबर में कन्यादान। कन्यादान जो पिता कन्यादान करता है वो सबसे बड़ा भाग्यशाली होता है। हर घर में बेटियां जन्म नहीं लेती, कोई भाग्यशाली सौभाग्यशाली पिता के घर में ही बेटियां जन्म लेती हैं। कन्यादान करने से पहले इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। आप कन्यादान कर रहे हो लेकिन आपने ऐसे व्यक्ति को अपनी बेटी दिया जो शराबी है, जो रात भर दिन भर मदिरा पान करता है, ऐसे इंसान को अपनी बेटी अपनी पुत्री अगर आप देते हैं। आपने कन्यादान किया, पुण्य कमाया, लेकिन साथ में पाप के भागी भी आप बन जाओगे। कन्यादान सबसे बड़ा दान है, सबसे सुंदर पुण्य कन्यादान से मिलता है। लेकिन शराबी को कन्यादान करोगे, शराबी व्यक्ति को अपनी पुत्री दोगे तो जीवन भर वो बेटी रोएगी और उसका आंसू आपको लगेगा, आपको भी जीवन भर रोना पड़ेगा। शराबी के साथ में बेटी का विवाह कराओगे तो कभी जीवन में सुख आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कन्यादान से पहले 100 बार सोचिएगा, लड़का कैसा है, कितना पढ़ाई किया है, उसके अंदर संस्कार है कि नहीं, गुण है कि नहीं, अच्छाई है कि नहीं। अगर आप इन बातों को देखोगे, ध्यान देकर के आप अपनी बेटी को भेजोगे, विदाई करोगे, अगर अच्छे व्यक्ति के यहाँ अच्छे इंसान के साथ में बेटी का विवाह कराओगे तो आप पुण्य के भागी बनोगे। लेकिन शराबी के साथ में बेटी का विवाह करोगे तो पाप के भागी बनोगे। दूसरे नंबर में गौदान। हम गौदान करते हैं लेकिन आपको सोचना चाहिए, आप जिसको गौदान कर रहे हो, जिसको गाय दान कर रहे हो, वो व्यक्ति कैसा है? कहीं वो गौ माता को ऐसे सड़क में तो नहीं छोड़ देगा? उसी को गौदान करिए जो सेवा कर सके, जो अपने घर में रख करके गौ सेवा करे, उसको गौदान करिए। ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल मत दीजिए जो सड़क पे छोड़ दे, कहीं एक्सीडेंट अगर हो जाए तो गौ हत्या का पाप आपको लगेगा। इसलिए गौदान से पहले सोचिए। तीसरे नंबर में धन दान। हम बिना सोचे समझे दान कर देते हैं। धन देने से पहले भी सोच लीजिए, आपका दिया हुआ धन अच्छे काम में लग तो रहा है, कहीं आपके दिए हुए धन को लेकर के जाकर के किसी ने शराब पान कर लिया, आपके धन द्वारा गलत काम किया गया तो उस गलत काम का पाप आपको लगेगा। इसलिए ये तीन प्रकार के दान करने से पहले, ये तीन दान करने से पहले आप विचार करिए, सोचिए, चिंतन करिए। अगर आपको हर तरीके से अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल दान करिए। दान करना अच्छी बात है, बहुत बड़ा पुण्य का काम है, लेकिन बिना सोचे समझे दान भी नहीं करना चाहिए। प्यार से बोल दीजिए ना।